और दोस्तों भाग्य लक्ष्मी का आने वाले एपिसोड में जहां आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से नीलम से लक्ष्मी की बेटी पार्वती टकराती हुई नजर आएगी, जिसके बाद में नीलम उस बच्ची को बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाती हुई नजर आने वाली है। हालांकि दोस्तों इस समय एक आदमी बोलता हुआ नजर आएगा कि बच्चे को कभी भी कुछ भी बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बच्चे कभी भी कोई चीज़ जानबूझकर नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों नीलम बोलती हुई नजर आ रही है पार्वती से कि जिस तरीका की तुम्हारी परवरिश लग रही है, लगता है तुम्हारी माँ भी वैसे ही होगी। यानी कि सीधा सीधा लक्ष्मी को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी में तो अब तो और भी घनी दिलचस्प और ट्विस्ट वाली होती हुई नजर आएगी। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों सभी लोग थोड़ा नहीं बल्कि समय घने ही ज़्यादा टेंशन में नज़र आ रहे हैं, और टेंशन भी आप लोग जानते हैं कि टेंशन का रीजन भी थोड़ा घना नहीं है बल्कि समय बहुत ही बड़ा स्तर पर देखने को मिल रहा है। साथ ही दोस्तों बात की जाए इस समय की एक और नई बड़ी अपडेट की, तो इस समय की एक और भी नई बड़ी अपडेट आप लोगों के बीच में आएगी, जहाँ पर साफ साफ देखा जा सकता है कि ऋषि इस समय लक्ष्मी से मिलते हुए नज़र आने वाले हैं, वो भी प्रिंसिपल के ऑफिस में। क्योंकि लक्ष्मी वहाँ पर पहुँच तो जाएगी और पहुँचने के बाद में सीधा सीधा लक्ष्मी से ऋषि मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। तब लक्ष्मी को एहसास होगा कि हाँ, वास्तविक ये बड़ी ही सोची बढ़कर ही सोचा था। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही कहानी में जहाँ ऋषि अनाउंस करता हुआ नजर आएगा लक्ष्मी के आने की खबर को, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के लिए कहानी का एक नहीं बल्कि समय एक और भी नया ट्विस्ट आप लोगों के बीच में दस्तक देता हुआ नजर आएगा दोस्तों। क्योंकि कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन दोस्तों अब जो होने जा रहा है वो और भी घना दिलचस्प होता हुआ ही नज़र आने वाला है। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं। गाइस थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए।